تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك हेलो फ्रेंड्स वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं तो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और बताइए आप लोगों की ईद कैसे गुजरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की ईद काफ़ी अच्छे से ही हुई आ, तो जी ये जो है ईद के एक दिन पहले की तैयारी है चांद रात से जो लेके ईद तक की जो भी तैयारी है वो मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ चांद रात क्या चांद रात का जो दिन रहता है ना मतलब जो लास्ट रोज़ा रहता है उस दिन से ही हम लोगों का ज़्यादा टेंशन होती रहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी हो जाते हैं हाँ कल ईद है मैं जो ये भी करना है वो भी करना है तो यहाँ मेरी भी ऐसी ही हालत थी वैसे तो मेरे हस्बैंड को हॉलीडेज थे ईद के एक दिन पहले हॉलीडे मिल जाते हैं ईद के हॉलीडेज जो है पाँच दिन रहते हैं लेकिन इस टाइम फोर डेज ही मिले हैं फिर भी कोई बात नहीं तो ईद के एक दिन पहले हॉलीडे थे तो मेरे हस्बैंड भी मेरे मेरा हाथ पटा रहे थे उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की है तो यहाँ देखिए फ्लावर्स थे जो कि मैं लिविंग रूम में ज़्यादा वही सेट करती हूँ तो मैं इनको वॉश करने जा रही हूँ थोड़े फ्लावर्स जो है मेरे आई से है काफ़ी फ्लावर्स मैंने आई से ही ले गए थे फ्लावर वॉश के साथ मैंने इसको बाई किया था तो उनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी थोड़े जो खमसा मार्केट से मैंने लिया है देखूँगी उनको मैं प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करूँगी क्योंकि अदरवाइज़ उनका फिर कलर छुटना इस तरह से हो जाता है तो मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे तो इन सबको वॉश करके मैं सुखा के रख दी हूँ तो साथ साइड में जो है वो सब कुछ वॉश हो गया है उन सबको मैं अच्छे से पोछ के रख दी हूँ तो यहाँ देखिए मेरे फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह तो लास्ट टाइम मैं जब अलवसम गई थी आ, मैंने उसका ब्लॉग भी अपलोड किया है ईद डेकोरेशन शॉपिंग ब्लॉग बोल के वहाँ से मैंने थोड़े से चीज़ें बाई की थी जो कि ईद के लिए मुझे काम आ सके तो यहाँ मैं आज उनको यूज़ करूँगी एक फ्लावर टेबल क्लॉथ जो है वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये देखिए कितने प्यारे हैं उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से बॉल्स थे जिसमें मैं चॉकलेट्स वगैरह डाल के रख सकती हूँ वो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ तो वो मुझे अब यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ घर की सफ़ाई चल रही है अभी शाम का टाइम था अभी इफ्तार का टाइम नहीं हुआ था तो मैं ऑलमोस्ट जो काम है वो फिनिश कर चुकी हूँ इस टाइम पर इफ्तार के बाद मैं काफ़ी थक गई थी तो मुझे हुआ ही नहीं घर की सफाई करने तो रात में मैं यहाँ पे काम में लग गई हूँ फिर से थोड़ी बहुत सफ़ाई पेंटिंग थी मेरी और हम लोग चांद रात में सोते ही नहीं मेरी ईद की तैयारी भी चलती रहती है घर की सफाई भी चलती रहती है और वो करते करते तक रात के एक या दो बज जाते हैं उसके बाद फिर दो घंटे में उठना ही है क्योंकि सुबह के फ़ोर तक जो है सुबह की नमाज़ हो जाती है और उसके बाद ईद की नमाज जो है वो फ़ाइव या फाइव के ऊपर वो होती है इस वजह से जो है ना मैं ईद के चाँद रात को सोती ही नहीं अगले दिन हम लोग सो जाते हैं नमाज के बाद तो यहाँ देखिए रात का टाइम था ये इस टाइम मेरी सफाई चल रही थी और यहाँ मैं तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रख रही हूँ मुझे दो टाइप के मीठे बनाने थे एक था शेरखरमा और एक था मुजफ्फर मेरे हस्बैंड के थोड़े से कोलिग्स भी आते रहते हैं तो सोची थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ शेरखरमा मेरे हस्बैंड को पसंद था तो वो कह रहे थे इस टाइम थोड़ा शेखुरमा भी बनाओ अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है ना मुज़फ़्फ़र ही बनाती रहती हूँ तो उन्हें वो भी पसंद है और इस टाइम पर इन्हें ये भी पसंद आया था वैसे तो मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं मैं ज़्यादा खाती भी नहीं बस ईद के तौर पर एक थोड़ा सा खा लेती हूँ जो ज़्यादा पसंद नहीं आता अब सुबह का टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड फ्रेशअप होने के लिए गए हुए थे तो मैं उनके लिए ड्रेस निकाल रही थी बाहर और साथ में मैं अपना भी ड्रेस निकालूँगी जो मैंने बाय किया हुआ था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ईज़ान अभी सो रहा है वो रात के दो तो बजे सोया था क्योंकि वो इवनिंग सो के उठा था तो अब वो सुबह ही उठेगा हमें भी टेंशन नहीं उसकी तो ये देखिए ये रहा मेरे हस्बैंड का ड्रेस है और ये हम लोगों ने सेंटर पॉइंट से लिया था और इसका मैचिंग की मैं निकालना है तो साथ में मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ जो कि मैंने मैक्स से बाय किया था बस एक सिंपल सा टॉप है ज़्यादा कुछ नहीं तो ये मुझे मेरे हस्बैंड को ये मैंने मैंने ही चूज़ किया था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कलर और कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है और ये रहा मेरा टॉप जो मैंने मैक्स से लिया था बहुत ही सिंपल है नॉर्मल ड्रेस में भी हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं तो मैंने इस तरह सा एक टॉप बाई किया हुआ है ऐसे भी अब इंडिया जाना है तो मुझे वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो इसलिए यहाँ मैं सिंपल से ही ली हूँ और साथ में ये है हिजाब कैप और इसके साथ ये मैचिंग हिजाब है आ, हिजाब वेल जो मैंने आ, वो भी मैंने रेड टैग से लिया था तो आपको मैं कंप्लीट अपना ड्रेस दिखाती हूँ तो ये देखिए माशा कितना प्यारा है और सिंपल है लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा है आप बहुत ही Uh, कपड़ा भी जो है ना बहुत ही मुलायम था इस तरह बहुत हेवी भी नहीं लग रहा था पहनने और में से। ये मुझे मैक्स में मिल गया था मैक्स में काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे मिल जाता है इस तरह के लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस मुझे वही मिल जाते हैं और थोड़े से सेंटर पॉइंट में भी मिलते हैं लेकिन मैं ज़्यादातर मैं मैक्स में प्रेफर करती हूँ तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा मिल जाता है कलेक्शन और मेरे साइज़ का भी मिल जाता है मैं पहले पहला से अब तक मेरा साइज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है तो जितना भी साइज़ होना उस साइज़ के मिल जाते हैं तो आप लोग भी बताइएगा कर, कमेंट करके कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा सिंपल है बट मुझे बहुत अच्छा लगा पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे तैयार हो रहे हैं नमाज़ के लिए सुबह की नमाज़ के बाद वो ईद की नमाज़ पढ़ के ही आएंगे मैं तो जा नहीं सकती हूँ ईज़ान अभी सो गया था तो मुझे मुश्किल थी मैं घर पे ही पढ़ लूँगी अदरवाइज़ मैं भी जाया करती थी इनके साथ तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ईद की नमाज़ से पहले मीठा खा रहे हैं और साथ में दूध ये हजूर सल वसलम की सुनत है कि ईद की नमाज़ से पहले थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए स्पेशली खजूर मीठा कुछ और नहीं खजूर खाना चाहिए तो ये खा के निकलेंगे और उसके बाद मैं भी फ्रेश अप होके मैं भी नमाज के लिए तैयार हो जाऊंगी तो मैं भी हर साल जाती थी लेकिन इस टाइम पिजान छोटा है लास्ट टाइम दो साल से तो नमाज़ें हुई नहीं घर पे ही पढ़ रहे थे और इस टाइम पे मौका मिला है लेकिन इंसान को लेके जाना थोड़ा मुश्किल है उसका और एक साल हो जाएगा तो अच्छा समझदार हो जाएगा तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अदरवाइज़ बाहर जाके ईद की नमाज़ पढ़ने का अलग ही आ, अलग ही रहता है वो माहौल घर पर अकेले वैसे नॉर्मल नमाज की जैसे ही लगती है लेकिन बाहर जो है ना सब लोग मिलते हैं सबका बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहन के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में तो मेरे हस्बैंड नमाज़ के लिए गए थे तो वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा शूट किया था मैं ही कह रही थी कि उनको थोड़ा सा शूट कर ले

तो सोचिए फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम क्योंकि सुबह की नमाज़ के बाद हम लोग सो गए थे उसके बाद जो है फिर जहर की नमाज थी फिर थोड़ा सा हम लोगों ने बाहर से ही ला के लंच कर लिया था उसके बाद मैं रात का खाना की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के थोड़े से कोलिग्स आ रहे थे और ऑफिस के तो उनके लिए हम लोगों ने रात का ही अरेंज किया था तो यहाँ देखिए मेरा सब कुछ अब मैं पका के सब कुछ सेट करके आई हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ अपना लिविंग रूम का जो मैंने डेकोरेट किया है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूं तो जी मैं यहाँ पे ईद के अगले दिन मेहंदी लगाई थी तो वो भी इसमें ही ऐड कर दी हूँ क्योंकि ईद के दिन जो है चांद रात के टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिला तो और ईद की रात का टाइम था ये सबको सब गेस्ट आके चले गए थे उस टाइम पे मैं लगाई थी तो मुझे उतना आता नहीं और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है मुझे समझ में आया वो मैं बना ली हूँ तो माशाल्लाह फिर भी अच्छी लग रही हैं आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी मेरी आ, मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को बस मैं एक ही हाथ को अप्लाई की हूँ दूसरे हाथ को मुझे हुआ नहीं और यह भी बहुत टाइम लगा मुझे डालने में मुझे आता नहीं है डिज़ाइन डालने कुछ भी तो जी ये था हम लोगों का ईद का मेन्यू मैंने बनाया था कबाब और साथ में मैंने मीठा मुजफ़र बनाई थी और शेर खरमा बन रहा था अभी क्योंकि वो सिर्फ हम लोगों के लिए था और बिरयानी थी और साथ में मैं बनाई थी चिकन कोरमा और ये चटनी है जिसको हम लोग चटनी बोलते हैं थोड़े लोग उसको सलाद भी बोल देते हैं तो ये परोठा था जो मैं घर पर नहीं बनाई हूँ बाहर से ले आए हैं तो मेरे हस्बैंड के कोलिग्स आ रहे थे तो उनके लिए था ये सब कुछ और शेर खुरमा मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी तो वो बन रहा था अभी <laughs> तो बस एक गेस्ट के लिए था ये सब कुछ मेन्यू में मैं सेट करके रखी हूँ इन सब की रेसिपी भी मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं अपने अगले व्लॉग में उसको ज़रूर शेयर करूँगी तो ये था हम लोगों का ईद का मेन्यू और एक मेरा छोटा सा ईद का व्लॉग है जिसकी रेसिपी मैं अपने अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी और तब तक आप लोग मेरे इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस इतना ही और आप सबको ईद मुबारक फिर से फिर मिलूँगी मैं आपको अपने अगले व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर हाफिज़